हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड रेसिपीज। किचन हमारी लाइफ एंड घर का एक अभिन्न हिस्सा होता है, जहां हम दिखाते हैं अपने हाथों का जादू और बनाते हैं प्यार से मन को भाने वाले पकवान, और उन पकवानों से हम अपने अपनों का दिल जीतते हैं। आप भी देखिए यहां पे ये लजीज माउथ वाटरिंग डिलिशियस रेसिपी, जिन्हें देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। वेट अ मिनट, लेट्स कम बैक टू द रियलिटी। ये लजीज पकवान बनाने के बाद जो मेस होता है वो भी हमें ही क्लीन करना पड़ता है। इतना ऑयली, ग्रीजी एंड हार्ड स्टेन को क्लीन करना हम हाउस मेकर के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है। मैं आपकी इस पेन को समझ सकती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक लाइफ सेविंग हैक या ट्रिक, इससे आप हर दिन के क्लीनिंग के स्ट्रगल से बच सकते हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं वो ट्रिक क्या है तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। सो इसके लिए आपको कोई सा भी एक पुराना न्यूज़पेपर चाहिए। आप अपने गैस स्टोव के एरिया पर इसे प्लेस कर दें और इसकी आप लंबाई चौड़ाई माप कर लें। ये आपके गैस स्टोव के एरिया को फिट आता है या नहीं। एंड देन आपके जो गैस के चार बर्नर हैं, आप उसे पेन से मार्क कर लें जहाँ पे ये हैं। एंड देन उसके बाद आप इसे कट कर लें, समथिंग लाइक दैट। मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखा रही हूँ। सो आपको इस तरह से एक न्यूज़पेपर लेके और उसे कट कर लेना है अच्छी तरह से। एंड देन आपको एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए। सो बेसिकली हमने पेपर से एक पैटर्न बना लिया, देन आप एल्यूमिनियम फॉइल लेकर आप इसके माप का ही कट कर लेंगे। सिंस हमें दो पार्ट में इसे करना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल का साइज इतना बड़ा नहीं होता कि एक ही साथ हम कवर कर लें। तो अब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों का अलग अलग बना के एंड देन आप उसे कट कर लें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल को भी मैंने कट कर लिया है और इसे मैंने प्लेस कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो जा रहा है दोनों तरफ का। एल्यूमिनियम फॉइल आप यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंट होता है, सो इट्स प्रिटी सेफ, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। सो आप इसके बाद से इसे अच्छी तरह से माप लें। एंड देन इसके बाद जो हमारा आयरन का हॉब है वो हम इस पे प्लेस कर देंगे अच्छी तरह से। एंड ये नाइस एंड सिक्योर हो गया, इट्स लाइक आपने प्रोटेक्ट कर दिया है आप अपने गैस स्टोव के बेस को, ताकि उस पे कोई भी किसी भी तरह का ऑयलीनेस, एनी काइंड ऑफ डर्ट नहीं जमा हो। इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आपके जो गैस स्टोव के पीछे वाली जो वॉल है आप भी उसे इसे एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर सकते हैं, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। जो सबसे ज़्यादा वॉल गंदी होती है वो पीछे वाली ही होती है, तो आप ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें, बेसिकली हम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, आप देख सकते हैं। एंड देन इस जो हमने पेपर की कटिंग की है, इस पैटर्न को आप बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखिए, क्योंकि ये आपका लाइफ सेविंग ट्रिक है। तो आपको हर बार नहीं सोचना पड़ेगा, आपको गैस का माप नहीं लेना है, आपकी लंबाई चौड़ाई क्या है, किस तरह से कट करनी है, ये सोचने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो अगर नेक्स्ट टाइम जब भी ये एल्यूमिनियम फॉइल का जो हमने बेस लगाया है जो प्रोटेक्शन के लिए, अगर वो गंदा हो जाए तो जस्ट सिंपली आप आयरन हॉब को निकाल दें एंड देन उसे टिकट आउट कर लें, निकाल दें। आप देख सकते हैं कि जहां जहां हमने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया है वो एरिया एकदम ही क्लीन है, उसमें बिल्कुल भी डर्ट नहीं है, ऑयलीनेस नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं है। जस्ट आप एक क्लीनिंग वाइप्स ले ले और इसे अच्छी तरह से पोंछ दे, एंड देन या देयर वी गो, इट्स लाइक अ नाइस एंड क्लीन। सो इस तरह से हम अपने गैस स्टोव को सालों साल नीट एंड क्लीन रख सकते हैं एकदम नए की तरह, और जब भी हम किचन में आएंगे तो हमारा ये चमचमाता हुआ बहुत ही क्लीन सा गैस स्टोव हमें दिखेगा, तो हमें ज्यादा ही खाना बनाने का आनंद आएगा। सो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद है जो कि मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, आप इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।